हे गाइज, मोस्ट वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जिसको आप जरूर डाउनलोड करना चाहोगे। ये सारे एप्लीकेशन बहुत अमेजिंग एप्लीकेशन है। तो गाइज, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। टेक्निकल बनता है तो टेक एडिक्ट बनता है। आईफोन बहुत यूजफुल एप्लीकेशन है। इसमें आपको ढेर सारे वॉलपेपर और साथ ही डिफरेंट फोन्स देखने को मिलेंगे, लाइव वॉलपेपर के कलेक्शन, और आपको इसमें ढेर सारे कैटेगरी देखने को मिलेंगे। सारे वॉलपेपर की क्वालिटी 4K तक है, इसलिए आपका फ़ोन बहुत कूल दिखेगा। इतना ही नहीं, आपको इस एप्लीकेशन में ढेर सारे कीबोर्ड के स्टाइल भी देखने को मिलेंगे और साथ ही इस एप्लीकेशन में आपको स्टिकर भी मिलेंगे। तो गाइस, ये एक ऑल इन वन एप्लीकेशन है। जैसे आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो तो आप इसे सारे परमिशन को अलाउ कर देना और इस एप्लीकेशन में आपको बहुत सारे डिफरेंट और अमेजिंग फोन देखने को मिलेंगे। फोन के साथ आपको अलग अलग सिंबल भी देखने को मिलेंगे। तो गाइज, अगर आप चाहते हो वॉलपेपर, स्टिकर और फोन्स, तो इस एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करना। एक ऑल इन वन एप्लीकेशन है। क्या आपको फ़ोन की कस्टमाइजेशन के लिए एक बेहतरीन एप्लीकेशन चाहिए, तो डाउनलोड करें कस्टम LWP एप्लीकेशन। जैसे आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो सारे परमिशन को अलाउ कर देना। इसमें आप क्रिएट भी कर सकते हो, नहीं तो आपको इसमें फ्री में कुछ ऑलरेडी विजेट को प्रीसेट मिलेंगे। इसमें आपको सारे विजेट एक से एक बढ़कर है। इसमें आपको जो विजेट अच्छा लगता है उस पर क्लिक करें, फिर आपको सेव ऑल ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप सेव ऑल ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपका विजेट होम स्क्रीन पर अप्लाई हो जाता है। सारे विजेट इतने कूल है कि आपके फोन के होम स्क्रीन की कस्टमाइजेशन कुछ अलग लेवल की दिखेगी। इस एप्लीकेशन की एक और खास बात है, इस एप्लीकेशन में आप खुद भी एक एडिट कर सकते हो। मतलब जो आप प्रीसेट चुनते हो उसे आप खुद एडिट कर सकते हो। मतलब आप कलर विलर चेंज कर सकते हो और बहुत कुछ आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो। उनकी कस्टमाइजेशन के लिए इस एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करना। प्रीफेस एप्लीकेशन बहुत अमेजिंग एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन में आप किसी भी वीडियो में अपना खुद का फेस फोटो लगाकर उस वीडियो को क्रिएट कर सकते हो। जैसे आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आप सेल्फी लेके नहीं तो गैलरी से फोटो अपलोड कर सकते हो। उसके बाद आपको इसके इंटरफेस में बहुत सारे वीडियोज मिलेंगे। जो वीडियो आपको पसंद है उस वीडियो पर क्लिक करें और उस वीडियो में आप प्रीफेस करें। इसमें आपकी वीडियो बहुत जल्दी क्रिएट हो जाती है और अपनी वीडियो जो क्रिएट होती है उसको आप सेव भी कर सकते हो और आप शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके किसी को भी शेयर कर सकते हो। इसमें आपको बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड के सारे फिल्म के क्लिप मिल जाते हैं जिसे आप रिफ्रेस कर सकते हो। ये सारे वीडियो क्लिप विद साउंड के साथ होती है। इस एप्लीकेशन को हम हमारे दोस्त के साथ फोन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके जरूर यूज़ करना। क्या आपको भी अलग अलग लॉन्चर यूज़ करना अच्छा लगता है, तो +1 लॉन्चर को जरूर यूज़ करना। इस लॉन्चर में आपको लुक बहुत सिंपल देखने को मिलता है, तो देखने को बहुत अच्छा लगता है। इस लॉन्चर की सेटिंग में आपको ढेर सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन देखने को मिलेंगे। साथ ही गाइस, इसमें आपको हिडन ऐप्स का एक ऑप्शन होगा जिसमें आप किसी भी ऐप को हाइड कर सकते हो। अगर आप चाहते हो किसी भी एप्लीकेशन को हाइड करना, तो गाइस आप कोड और पैटर्न लगा के हाइड कर सकते हो। तो ये ऑप्शन आपको बहुत यूजफुल होगा। साथ में आपको बहुत सारे ट्रांजिशन के स्टाइल देखने को मिलेंगे। मुझे इस एप्लीकेशन में हिडन ऐप्स का ऑप्शन बहुत अच्छा लगा। गाइस, +1 लॉन्चर बहुत यूजफुल और अमेजिंग लॉन्चर है। इस लॉन्चर को जरूर डाउनलोड करना। क्या आप कुल दिखने वाले WhatsApp स्टिकर को यूज़ करना चाहते हो, तो डाउनलोड करें एनिमेटेड स्टिकर मेकर। इसमें आपको ढेर सारे फीचर देखने को मिलेंगे और ये सारे स्टिकर देखने को बहुत अमेजिंग होते हैं। इसको आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो और डाउनलोड करने के बाद अप्लाई टू WhatsApp करना। इसमें आपको अलग अलग कैटेगरी भी देखने को मिलते हैं। इसमें एक और फीचर है, वो है सर्च वाला फीचर। इसमें आप किसी भी स्टिकर को सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हो, तो आपको ये वाला फीचर बहुत अच्छा लगा होगा। और साथ में गाइस, आप इस एप्लीकेशन में आप खुद का भी स्टिकर बना सकते हो, तो इस एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करना। क्या आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हो, तो स्टोरी टैब एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करना। यह एप्लीकेशन इंस्टाग्राम स्टोरी के लिए बहुत यूजफुल एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन में आप इंस्टाग्राम की स्टोरी को बहुत इजी तरह से क्रिएट कर सकते हो। मतलब आपको करना कुछ नहीं, आपको जो स्टोरी प्रीसेट अच्छा लगेगा उस पर क्लिक करें और अपने फोटो को ऐड करना। इतने स्टेप में आप इंस्टाग्राम के लिए हाई एडिटिंग स्टोरी बना सकते हो। क्रिएट होने के बाद आप डायरेक्ट गैलरी में भी सेव कर सकते हो, नहीं तो आप इंस्टाग्राम पर भी शेयर कर सकते हो। और आपको इस एप्लीकेशन में ढेर सारे हाईलाइट के लिए कूल टेम्पलेट देखने को मिलेंगे। इस टेम्पलेट को डाउनलोड करके आप हाईलाइट पर जरूर लगाना। कुछ टेम्पलेट आपको प्रीमियम में मिलेंगे। अगर आप वो प्रीमियम वाले टेम्पलेट को यूज़ करना चाहते हो तो आपको परचेस करना होगा, नहीं तो गाइज आप फ्री वाले टेम्पलेट को यूज़ करना। इंस्टाग्राम की स्टोरी के लिए एक बहुत यूजफुल एप्लीकेशन है, तो गाइज इस एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करना।